ने कारोबारी को गोली मार दी है। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताएं आपको कि कारोबारी अशोक मेहता को सीने में गोली लगी है। बाइक सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और फरार हो गए हैं। पुलिस तफ्तीश कर रही है पूरे मामले की और अपराधियों की धरपकड़ के लिए छानबीन चल रही है, छापेमारी चल रही है। और ज्यादा जानकारी लेते हैं अमित से। अमित, क्या हालात है अभी? क्या अपराधी की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान चला रही है पुलिस और कैसी स्थिति है अभी कारोबारी की? आया सीने से होकर निकल गई गोली सीने के पास से कह सकते हैं। इन सब के बीच पुलिसिया कार्रवाई चल रही है, इलाके में सर्चेज चलाए जा रहे हैं। जिस तरीके से व्यवसायी, इस पूरे खबर की यदि बात की जाए तो नवल गुप्ता नाम का व्यवसायी है, गया जिला का, जो आलू कारोबारी था, जिसके पास तकरीबन 7 लाख रुपए थे। और ये रुपये अब मोटरसाइकिल सवार जो अपराधी है उन लोगों ने लूट लिया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों से मदद मांगी गई नवल गुप्ता के तरफ से। और उसके बाद स्थानीय लोग एक जगह जमा होते हैं, लोहड़ी नदी का वो इलाका है जहां पर ये घटना घटी है, जहां पर गोली मारी गई अशोक मेहता को। फिलहाल अभी खतरे से भले ही बाहर बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस इलाके में घटना घटी है, खासतौर पर व्यवसायी को इस तरीके से मारना और फिर पैसे की चिंता ही वाला जो पूरा प्रकरण है। इसके अलावा घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल मिली है, ये कई चीजें हैं जो पुलिसिया तफ्तीश में मदद करेंगी। लेकिन सबके बीच सर्चेज चल रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन मोटरसाइकिल जो वहां पर घटनास्थल जी से जी मिला है वो काफी अहम माना जा रहा है कि उसके आधार पर आगे की तफ्तीश चलेगी और शायद पुलिस को बहुत जल्द सफलता भी मिल सकती है, क्योंकि मोटरसाइकिल से बहुत कुछ पता चल पाएगा कि कौन अपराधी थे। क्या स्थानीय लोगों ने ही इस तरह के षड्यंत्र को रचा और फिर एक व्यवसायी से लूट होती है और फिर जो उस व्यवसायी को मदद करने जाते हैं उस भीड़ में, उस मॉब में गोली चलाई जाती है। और उसके बाद जो है यहाँ पर अशोक मेहता जो अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसे सीने में गोली लगी है, वो अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है। जी शुक्रिया मामी तमाम जानकारी के लिए।